कि भैया समय समय की बात है, और समय बड़ो बलवान, कैसे और भीलन लूटी गोपिया। तो भैया बोई अर्जुन बोई, प्रिय सज्जनों, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जब तक समय व्यक्ति के अनुकूल ना हो, दुनिया भी उसका साथ छोड़ देती है। यही एक समय आया था राजा केक के सामने, जो केक देश का राजा था केक, उसके सामने यही समय आया था। राजा दशरथ ने चढ़ाई कर दी केक राजा के ऊपर, केक राजा की पूरी सेना परास्त हो गई, पूरी सेना को हरा दिया। अकेला केक राजा सोचने लगा कि क्या करें। डगबग आवे मत भैया, पहले टाइम कम है। हेरे समय ने बाजी पलट दई हो, अरे समय ने बाजी पलट दई और केक फसायो आ। दशरथ के भय भवन में बैठो, दशरथ के भय भवन में बैठो, चिंता मन गई छा, अरे चिंता मन गई छा। मन ही मन में ऐसी चिंता छा गई कि अब क्या करूं, कैसे युद्ध करूं। केक के सामने, केक ने दशरथ के सामने घुटने टेक दिए। बहुत अगूढ़ कथा है। चिंता मन में है और विचार कर रहा है कि कैसे युद्ध करूं। तभी एक वीर सिर पर पगड़ी रखते हुए आता है और सभा में आकर के बोलता है कि हे स्वामी, मैं करूंगा दशरथ का सामना। केक पूछता है कि तू है कौन, मेरा परिचय मत पूछिए, बस मुझ पर विश्वास कीजिए, युद्ध मैं करूंगा। और वो वीर कहने लगा, हो चिंता भारी क्यों छाए रही भैया, धारी है और ये रण बंका कर विजय समर में लाए तुम्हारी है, ये रण बंका कर विजय समर में लाए तुम्हारी है। ये स्वामी, आप मुझ पर विश्वास करके तो देखिए, मैं तुम्हारी विजय करके लाऊंगा और मेरे तिलक लगाइए। केक राजा ने सोचा, मरता क्या नहीं करता, इस पर ही विश्वास करूं, हो सकता है यही मेरी विजय करा सकता है। केक राजा ने विश्वास कर दिया और उस जो आए हुए सिपाही पे तिलक कर दिया, तिलक लगा करके भेज देता है उसको। और होता क्या है भैया, चिंता भारी क्यों छाए रही,
ममता धारी है और ये रण बंका कर विजय समर में तलक लगा देता है वो वीर रवाना हो जाता है। धार कवच के और बहन के कुंडल अरे धार कवच और बहन के कुंडल लगा तिलक रण धारी है घबरा गया और घबरा करके दौड़ करके पहुंच गया मां पार्वती के
के पास में और होता क्या है। पार्वती से सेना मांगी नारायण को सौंप दिया। करके सेना मांगी तो पार्वती ने नारायणी सेना को तो दे दिया, लेकिन कह दिया कि सेनापति को नहीं दूंगा। सत्य कहा पर सोच बिचारी सेनापति का लोप किया। जब दशरथ की सेना ने घुटने टेक दिए, इधर पार्वती से सेना नारायणी सेना मांग करके दशरथ ले आया, तो अकेला वीर उस सेना को देख करके फिर से घबरा गया। वीर के सामने पूरी सेना है तो घबरा करके मन ही मन में गुरु का ध्यान करने लगा, हे गुरु मेरी रक्षा करो। ध्यान गुरु का करके मन में एक ही चमक बढ़ाई है। सुनकर बिने गुरु वहां प्रगटे बिजली सी चमकाई है। सुनकर वही प्रकट हो गए, दशरथ भूल गया लड़ाई को, देख रहा है कि ये आंधी और ये बिजली सी कहां से चमक रही है, भूल गया अपनी लड़ाई को। इस भेद को समझने के लिए हाथ जोड़ने लग गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब तो मेरी रक्षा आप ही करो। दशरथ भेद समझ नहीं पाया, प्रभु आओ बिहारी है ये रणवंका कर विजय समर में लाए तुम्हारी है। ये रणवंका कर विजय समर में लाए तुम्हारी है।